नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच चल रहा है, जिसमें आज आपकी जो है वो 13 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, आज आपकी कौन सी क्लास है? तो 13 नंबर की आपकी आज क्लास है ये। ठीक है, इससे पहले जो साइंस के सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और GS, ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है इसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 120 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसकी इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस के कवर कर चुके हैं। ठीक है, और जो आज से पहले जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, वो लोग क्लासेस देख लें ये, और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर सीरियस रह रहा होगा, शुरुआत से जुड़ा होगा, वो समझ रहा होगा यहाँ पर कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। लगभग 30% सिलेबस हमने आपका यूपी कैडेट का 30% सिलेबस 1 जुलाई से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, 1 जुलाई से और अभी तक आपका लगभग में 25 से 30% सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया है क्वेश्चन वाइज ही। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग जो है वो थ्योरी वाइज पूरा का पूरा आपका टॉपिक कवर कराते हैं, जिससे कि पूरी थ्योरी आपकी, जब तक हमारी ये सीरीज चलेगी तब तक लगभग 50% थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं, तो जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं वो लोग समझ रहे होंगे, और जो वैसे ही स्टूडेंट हैं बिना पढ़ने वाले हैं वो लोग तो सीधे कमेंट करके चले जाते हैं, उनका कुछ वो नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पर जो है 13 क्लास हमारी ये हो गई हैं, और आपके जो 60 क्वेश्चन किसके आते हैं? 60 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की 14 क्लासेस आज तक हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करा चुके हैं, और इस सप्ताह हम लोग जो है वो 2000 से ऊपर क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, संडे को हमारी 2 वीडियो आएंगी, तो 2 वीडियो जो है उसमें कुछ ज़रूरी जानकारी दी जाएगी, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, दोनों वीडियो जो आएंगी वो आप लोग देखेंगे, उसमें आगे का प्लान वगैरह बताया जाएगा। तो और आप लोगों का कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आप लोग में से कोई पूछ रहा था, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कराइए, तो 200 का भी हम कराएंगे। आप संडे को जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें आप लोग उस जब वीडियो संडे तक आएगी, उस संडे तक आप वेट कर लीजिए, तो संडे को आप लोग खुद संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, संडे को जो हमारी वीडियो आएगी, शाम को 8 बजे एक वीडियो आएगी, तो उसका आप लोग वेट कर सकते हैं। उसमें आपके लिए बहुत कुछ और आगे किया जाएगा, वो सब कुछ उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। और 20 क्वेश्चन जो आपके मैथ के छूट रहे हैं, तो वो हम पहले ही उनके बारे में बता चुके हैं कि मैथ आपका जो है वो एकदम नहीं हो जाता है। अब मैंने आपको 1 जुलाई से ये बैच शुरू किया है। ठीक है, तो 1 जुलाई से अगर हम अभी कराते तो कितने चैप्टर हो पाते? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चैप्टर हो जाते हैं आपके, बहुत चैप्टर हैं। इसलिए अब जो अभी मैथ नहीं होगा आपका, एक आध टॉपिक वाले करा दें हम जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूरा मैथ आपका जो है वो अगले सेशन में होगा। ठीक है, जब अगली साल हम अपना, मतलब इस साल आप लोग पेपर दे देंगे, उसके बाद जब हम शुरू करेंगे अपना कोर्स, नया बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें कराएंगे सब कुछ। ठीक है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं हो, हम यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में भी बोलते जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं, और बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। लास्ट में आपको जो है वो PDF से रिलेटेड और जानकारी दी जाएंगी, और जिन लोगों को PDF नहीं मिल रही है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस सब के बारे में लास्ट तक आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, लास्ट तक हम कभी भी दे सकते हैं उसके बारे में जानकारी। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएँ बनती हैं? ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? तो 50 क्वेश्चन हैं, और किस किस के हैं? केमिस्ट्री के हैं, और आपके ये है जो बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में बॉटनी से ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों? कल हम लोग जूलॉजी और फिजिक्स कर चुके थे इसलिए। और चलिए अब इसमें देखेंगे, एकमात्र कोशिका से मतलब एक मदर सेल से यहाँ पर कितनी डॉटर सेल बनती है? तो 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, समसूत्री कोशिका। यहाँ पे आप लोग जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, वो जब शुरुआत से हम 1 जुलाई से जब चला रहे हैं ना, तब से अगर कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो वो समझ रहा होगा हमारे कंटेंट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग देखिए, आज से पहले कभी भी आपके जो है एक आध बार भले आए हों कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से क्वेश्चन, और कभी आपके कोशिका विभाजन के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे। तो हमने ऐसा प्लान आपके लिए बनाया है, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम हर एक टॉपिक को आपका कवर कर चुके होंगे क्वेश्चन वाइज। ठीक है, टॉपिक को और थ्योरी वाइज तो हम पहले करा ही चुके हैं, जब आप लोग यहाँ पे कुछ लोग थे तभी। ठीक है,
तो अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो समझ रहा होगा, और जो ऐसे ही स्टूडेंट हैं वैसे एक तो 100 में कितने को एक दो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। 5% लोग फालतू के होते हैं, ठीक है। तो वो फालतू के लोग आप लोग नहीं हैं, आप तो डेली सीरियस स्टूडेंट हैं, डेली पढ़ने आते हैं। कुछ लोग हैं वो बाद में आते हैं। वो तो समसूत्री कोश का विभाजन की खोज किसने की थी, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन की खोज किसने की थी, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन की खोज आपकी की थी डब्लू फ्लेमिंग ने, ठीक है, डब्लू फ्लेमिंग ने। अब जो माइटोसिस डिवीजन से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब हम आपको यहाँ पे कराते रहेंगे, ठीक है, आगे तक। तो डब्लू फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, आपकी कोश जो समसूत्री कोश का विभाजन है उसकी खोज किसने की थी, डब्लू फ्लेमिंग ने, ठीक है। और यहाँ पे जो है फार्मर और मोरे दोनों ने मिलाकर के किसकी खोज की थी, मियोसिस की, मतलब अर्धसूत्री कोश का विभाजन की, ठीक है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन की खोज किसने की थी, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की थी, तो फार्मर और मोरे ने की थी, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पे क्या बच गया, रुडोल्फ बर्चो। तो इसको तो आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे, आपका कोश का सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, तो रुडोल्फ बर्चो ने किया था, ठीक है। मतलब सेल थ्योरी किसने दी थी, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किसने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने दी थी, जिसमें स्लाइडन ने प्लांट के बारे में बताया था और जो स्वान थे उन्होंने एनिमल के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो स्लाइडन और स्वान ने थ्योरी दी थी उसका रूपांतरण किसने किया था, रूपांतरण उसका आपके रुडोल्फ बर्चो ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन में गुणसूत्र कितनी बार विभाजित होते हैं, ठीक है, विभाजित होते हैं, यहाँ पे विभाजित ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे अर्धसूत्री कोश का विभाजन में गुणसूत्र कितनी बार विभाजित होते हैं, तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन में गुणसूत्र जो है वो 2 बार विभाजित होते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो लिख, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से ही, ठीक है। जो 2 बार इसका विभाजन होता है ना, तो पहली बार जो है वो एक तो होता है आपका होमोटिपिक, ठीक है, होमोटिपिक, ठीक है, होमोटिपिक। आप लोग इंग्लिश में जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लें होमोटिपिक, ठीक है। एक बार होता है होमोटिपिक और दूसरी बार क्या होता है हेट्रोटिपिक, ठीक है, हेट्रोटिपिक। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। जो 2 बार आपका विभाजन होता है इसमें, तो एक होता है होमोटिपिक, एक होता है हेट्रोटिपिक, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोटिपिक को और क्या बोलते हैं, तो होमोटिपिक के अदर नेम आप लोग लिख लेंगे, होमोटिपिक के अदर नेम आप लोग लिख लेंगे एक यूकेशनल डिवीजन, यूकेशनल डिवीजन मतलब समान जो होता है ना, यूकेशनल डिवीजन, ठीक है, यूकेशनल डिवीजन। हमने भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है तो हिंदी थोड़ी टफ लगती है, इसलिए हिंदी में इसको पता नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश में ही लिख लेंगे, ठीक है, यूकेशनल डिवीजन, ठीक है, यूकेशनल डिवीजन। हम लोग किसको बोलते हैं, होमोटिपिक को बोलते हैं, ठीक है। और इसी को और एक नाम और क्या है इसका, यूकेशनल डिवीजन या फिर मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस सेकंड मतलब अर्धसूत्री जो आपका सेकंड, ठीक है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री सेकंड, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होमोटिपिक की बात हो गई। अब हेट्रोटिपिक में आप लोग लिख लेंगे, हेट्रोटिपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इसको रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। हेट्रोटिपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट हम लोग किसको बोलते हैं, हेट्रोटिपिक को, और होमोटिपिक को हम लोग मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। एक बार ये पूछा गया था कि रिडक्शनल डिवीजन किसे बोलते हैं हम लोग, तो रिडक्शनल डिवीजन आप लोग नोट कर लेंगे, रिडक्शनल डिवीजन हम लोग किसे बोलते हैं, मतलब रिडक्शन हो जाता है इसमें, तो रिडक्शनल डिवीजन हम लोग किसको बोलते हैं, हेट्रोटिपिक को, ठीक है। जो हेट्रोटिपिक अभी हम दूसरे नंबर पे लिखाए थे ना, उसको हेट्रोटिपिक को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ पे गलत जोड़ा कौन सा है, आप लोगों को पता होगा ना इंटरफेज के बारे में, अंत्य अवस्था, इसको भी हमने अभी अगला क्वेश्चन रखा है, तो आप लोग उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। आपको क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपको पता है ना अंत्य अवस्था की कितनी स्टेज होती हैं, तो G1, S, G2 और एक M, M को हम G0 भी बोल देते हैं, वो हम आगे भी बताएंगे आपको। यहाँ पे आप लोग केवल आंसर देंगे इनमें से कौन सा गलत है, तो आप लोगों को पता होगा ना G1 में क्या होता है, प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है, ये सही है। G2 में भी क्या होता है, प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है, लेकिन S में क्या होता है, S में आपका
आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे, अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। ठीक है, छः नंबर क्वेश्चन शायद आपका वही होगा, इंटरफेज अवस्था में कौन कोशिका में, इंटरफेज अवस्था में कोशिका में होता है, इंटरफेज अवस्था में कोशिका में क्या होता है, इंटरफेज अवस्था। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेज ही तो होती है ना, जब कोशिका विभाजन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहली अवस्था जो होती है वो इंटरफेज अवस्था ही होती है। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन का सबसे जो कोशा चक्र होता है ना आपका, उसका सबसे ज़्यादा समय इंटरफेज ही होता है। ठीक है, तो इंटरफेज में कोशिका में होता है, कोशिका में इंटरफेज में क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है केवल। ठीक है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, मतलब डीएनए सिंथेसिस किस स्टेज में होता है, जीवन। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरफेज या अंत्य अवस्था, ठीक है हिंदी वाले लिख लेंगे अंत्य अवस्था, इंटरफेज या अंत्य अवस्था, इसके कितने स्टेज होते हैं, मतलब ये कितनी स्टेज में होता है, तो ये चार स्टेज इसकी होती हैं। पहली क्या होती है, जीवन, क्रम पूछा जाता है, आप लोग क्रम याद रखेंगे, पहली जीवन होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, एस होती है, तीसरी G2 होती है, और चौथी आप लोग लिख लेंगे M होती है। ठीक है, M कोई और एक नाम, M का और दूसरा नाम क्या है आपको, M का दूसरा नाम G0। ठीक है, G और 0 इसको G0 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, इंटरफेज की चार अवस्थाएं होती हैं, जीवन, एस, G2 और G0 या फिर M। ठीक है, ये चार अवस्थाएं आपको दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन तो ये होगा इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जीवन में किसका संश्लेषण होता है, नोट कर लीजिए जीवन में किसका संश्लेषण होता है, तो जो सभी प्रोटीन होती हैं, मतलब सभी आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, सभी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो आपको क्या बताना होगा, आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है सभी वो जीवन में होता है। ठीक है, और G2 में क्या होता है, G2 में जो नया आरएनए और प्रोटीन होती है उसका। ठीक है, नया आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण आपका G2 में होता है। अब डीएनए का संश्लेषण किस में होता है, तो एस अवस्था में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए, तीन चार क्वेश्चन हो गए ना आपके, पाँचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, तो आपकी जो एम या G0 होती है, एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G0। ठीक है, G0, तो ये निष्क्रिय अवस्था होती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेज में मतलब अंत्य अवस्था की निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, तो एम फेज होती है। ठीक है, एम इसकी अवस्था जो होती है वो होती है। ठीक है, हमने पांच क्वेश्चन इसमें बता दिए आपसे, आपसे क्या बताया हमने कि डीएनए जो है, डीएनए का आपसे बताया सबसे पहले इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज की चार स्टेज होती हैं, क्रम वाइज पूछ लिया जाता है, तो जीवन, एस, G2, G0। ठीक है, जीवन, एस, G2, G0। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बताया, जीवन में क्या होता है, सभी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, G2 में क्या होता है, नए आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एस में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, एम क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था इसकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए वो क्वेश्चन हम आगे बता देंगे। ठीक है, आगे बता देंगे उसको, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे नहीं, यहीं लिख लीजिए, क्योंकि शायद आगे इसमें क्वेश्चन हमने नहीं रखा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो वो अंत्य अवस्था होती है। ठीक है, अंत्य अवस्था, कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग ये। ठीक है, पूछा गया है कोशा चक्र की। ठीक है, कोशा चक्र की दो क्वेश्चन साथ साथ लिख लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था मतलब सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, तो वो अंत्य अवस्था होती है। आंसर लिख लेंगे अंत्य अवस्था, यानी कि इंटरफेज। ठीक है, अंत्य अवस्था मतलब कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, अंत्य अवस्था होती है। इसमें कितना टाइम लगता है, तो 90-95% समय यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, 90-95% समय लग जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका समसूत्री होता है,
ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे प्रोफेज सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेज वहाँ पे सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए माइटोसिस सेल डिवीजन की, माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, तो वो प्रोफेज होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे, यहाँ पे उम्मीद तो कर रहा हूँ वो भी समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं पे इंग्लिश में कुछ अलग चल नहीं रहा है, तो हम ही कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार से इंग्लिश में भी कराया जाए आपके लिए। इस बात तो हम यहाँ पे कंटेंट केवल इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं, बाकी का आपको यहाँ समझाने का काम जो है वो इंग्लिश में भी कर रहे हैं, ठीक है। अगली बार से जो है कंटेंट भी आपका इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में केंद्रक विभाजन का सही क्रम कौन सा है। तो आप सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक के विभाजन की को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। ये सभी क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। कुछ लोग बीच में जुड़ते हैं तो उनसे एक ही निवेदन है, वो लोग शुरुआत से वीडियो देखिए तो आप लोगों को कुछ और ज़्यादा पल्ले पड़ेगा, ठीक है, मतलब और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा आपके। जब शुरुआत से नहीं देखेंगे, कुछ चीज़ बीच में आएंगे, क्योंकि शुरुआत में हम शुरुआत के एक दो मिनट आपके डाउट वगैरह ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो केंद्रक विभाजन का सही क्रम इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने बताया केंद्रक के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बोले, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, हमने बोला केंद्रक के विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, हमने बोला कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या बोलते हैं, तो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरा हमने बोला साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, सभी लोगों को पता होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। केंद्रक विभाजन का सही क्रम क्या है, सबसे पहले प्रोफेज अवस्था होती है, फिर मेटाफेज होती है, फिर एनाफेज होती है, फिर टीलोफेज होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, मतलब प्लांट सेल में यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, तो कौन सा ऑर्गेनल हो जाएगा जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। मतलब राइबोसोम तो पाया जाता है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री करते कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। लवक भी पाए जाते हैं, प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह तीन होते हैं ना, क्लोरोक्रोमो और ल्यूको। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल तो पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, तो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की भी, पेप्टिन की होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम ये आपका केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल सेल में कौन सा जो है ऑर्गेनल पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यूकुलिना कैसा जंतु है, यूकुलिना जो है वो कैसा जंतु है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अकोशिकी या फिर बहुकोशिकी। तो यूकुलिना जो है वो यूकैरियोटिक जंतु हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बार बार ये सब कुछ बोला नहीं जाता है हमारी क्लास में, ठीक है ना। हम आपसे वीडियो शेयर करने के लिए बीच में बोलते हैं ना, आपको लाइक करने के लिए बोलते हैं, और ना ही आपको क्या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने वीडियो जो है वो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये सब मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का इतना तो फर्ज बनता है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, ठीक है, और एक बार अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आप जैसे लोग ये ना कह पाएं कि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने 1 जुलाई से जब ये बैच शुरू किया है तो लोग अभी तक जुड़ते रहे हैं, ठीक है, 15 जुलाई तक भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, तो 10-15 तक मतलब डेली रोज लोग जुड़ रहे हैं। तो लोग डेली क्यों जुड़ रहे हैं, मतलब उनका पीछे का छूट रहा है, 15 दिन उनका छूट गया, अगर उनको पता होता, बोलते हैं कि पता नहीं था, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ वालों को भी पता चल जाए, ठीक है। आपसे बार बार ये सब कुछ नहीं बोला जाता है, तो आप लोग अपने आप खुद भी देख सकते हैं ना। निम्न में किस कोशिकांग को कोशिका का इंजन कहा जाता है, इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का इंजन कहा जाता है, तो कोशिका का इंजन हम लोग किसको कहते हैं,
सभी लोगों को पता होना चाहिए राइबोसोम को कहते हैं कोशिका का इंजन। क्यों कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्यों कहते हैं इसको कोशिका का इंजन, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करने के कारण ही कहते हैं इसको, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करने के कारण इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व यहाँ पे पूछा गया है। तो क्लोरोफिल में आपको पता होगा कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में तत्व तो कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए क्लोरोफिल बनने में कौन सा तत्व सहायक है, क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा सहायक, आपसे आयरन और मैग्नीशियम, तब दोनों हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल बनने के लिए सहायक तत्व कौन सा है, तो वो आयरन और मैग्नीशियम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देख लेंगे, अगला, निम्न में एकल झिल्ली कोशिकांग किसमें पाया जाता है, जो सिंगल वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एकल झिल्ली मतलब सिंगल सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसमें पाई जाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इसमें तो डबल पाई जाती है, परोक्सीसोम में आपकी सिंगल पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको एक भी झिल्ली नहीं पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंगू पांडे के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नंगू पांडे किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को। जब सी एस ए पेपर बनाता है तब वो ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन रखता है, एक बार बनाया था इसने तब बोला गया था, पूछा गया था कि नंगू पांडे किसको कहते हैं, तब वहाँ पे क्या ऑप्शन सही था, आपका राइबोसोम सही था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जीवद्रव्य में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, जीवद्रव्य में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन इसमें कितना होता है, जीवद्रव्य में प्रोटीन मतलब आपका जो है प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी होगी, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा आप लोगों की हो जाएगी 12 से 16%, ठीक है, 12 से 16% लिख लीजिए। बाटर इसमें कितना होता है, बाटर की मात्रा आपकी होती है 70 से 85%। फैट कितना होता है, तो फैट होता है आपका 3 से 5%। आपका कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपकी हो जाएगी 12 से 15%। और एक आपका न्यूक्लिक एसिड भी इसमें होता है, न्यूक्लिक एसिड इसमें कितना हो जाएगा, 1 से 2%, ठीक है। तो आप सबको क्या पूछा गया है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो हमने बताया 12 से 16%, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 से 16, यहाँ पे 14 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 13 यहाँ पे सही नहीं होगा। वैसे ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, ये हमने ध्यान नहीं दिया है, बना दिए, तो इसमें 12 से 16 के बीच में एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो 14 ऑप्शन आप लोग सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये सब कुछ अपने हाथ से ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारी आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है तब ये सब कुछ हो पाता है। केंद्रक में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो केंद्रक में आपकी जो है कौन सी गति पाई जाती है, इसमें से आपकी कक्षीय गति पाई जाती है, ठीक है, ऑर्बिटल कक्षीय गति, ठीक है, ऑर्बिटल इसको बोलते हैं, ऑर्बिटल गति इसकी, ऑर्बिटल मोशन इसमें पाया जाता है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। वहाँ पे लिख लेंगे जो कक्षीय गति होती है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। एक जगह ब्राउनियन गति भी लिखी हुई मिली है, ठीक है, तो ब्राउनियन गति भी आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, तभी से इसका नाम क्या रख गया है, तभी इसका नाम ब्राउनियन गति रखा गया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो केंद्रक का विभाजन हमने आपको बता दिया कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस क्या कहलाता है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में साइटोकाइनिन बोलते हैं, यानी साइटोकाइनिन के विभाजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं, और केंद्रक के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। कैरियोलॉजी क्या होता है, केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, इसमें केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, कैरियोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा सकता, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, इसमें आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा नोट कर लेंगे। इसमें आपसे पूछा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें दो रिएक्शन पूछी जाती हैं आपसे ये पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र रिएक्शन कहाँ पे होती है,
तो क्रेप्स चक्र आपसे रिएक्शन पूछा जाएगा। क्रेप्स चक्र रिएक्शन कहाँ पे होती है? क्रेप्स चक्र रिएक्शन आपकी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, पूरा लिख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो क्रेप्स चक्र अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेप्स चक्र में, ठीक है। क्रेप्स चक्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? क्रेप्स चक्र रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रस्टी का संबंध किससे है? तो क्रस्टी आपकी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। क्रस्टी का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? लवक क्या है? सबसे बड़ा अंगक हो जाएगा आपका लवक, सबसे छोटा अंगक आपका हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सबसे छोटा अंगक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट गई थी, ये वाली चीज़ परोक्सीसोम के बारे में, ठीक है। परोक्सीसोम इसमें क्या था? इसमें एक झिल्ली केवल पाई जाती है, ये तो हम बता दिए थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट गई थी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो परोक्सीसोम की खोज पहले आप लोग लिख लीजिए, परोक्सीसोम की खोज किसने की थी? तो परोक्सीसोम की खोज आपकी टालबर्ट ने की थी, ठीक है। टालबर्ट ने परोक्सीसोम की खोज की थी। अब आपसे ये पूछता है कि आपसे क्या पूछता है इसमें? इसका मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है। इसमें पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? परोक्सीसोम में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? तो मुख्य एंजाइम आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार पूछा गया था, कैटालेज ऑक्सीडेज, ठीक है। कैटालेज ऑक्सीडेज यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेज, आप लोग देख लीजिए इधर ऑक्सीलेज, ठीक है। कैटालेज ऑक्सीडेज, ठीक है। परोक्सीसोम में पाया जाने वाला एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? कैटालेज ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक यहाँ पे पूछा जाता है परोक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? परोक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा आपका? परोक्सीसोम का मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो प्रकाशीय श्वसन करना। इसके जो है सभी ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमने जो है पॉइंट लिखा है ना वो सब इम्पोर्टेंट है। परोक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? प्रकाशीय श्वसन करना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके लिख लेंगे, प्रकाशीय श्वसन किस किस में होता है? प्रकाशीय श्वसन किस किस अंगक में होता है? ट्रिक के साथ याद करवा देंगे अभी हम आपको, प्रकाशीय श्वसन किन किन अंगकों में होता है? प्रकाशीय श्वसन करने वाले अंगक कौन कौन से हैं? तो प्रकाशीय श्वसन किस किस अंगक में होता है आप लोग याद कर लेंगे, पीसीएम वाले भी कुछ होंगे ना तो वो तो याद ही कर लेंगे। पीसीएम जो अंगक होते हैं उनमें आपके प्रकाशीय रिएक्शन होती है, मतलब प्रकाशीय श्वसन किस में होता है? पीसीएम में होता है। पीसीएम का मतलब पी फॉर परोक्सीसोम, ठीक है। परोक्सीसोम, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, और एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब प्रकाशीय श्वसन किस किस में होता है? परोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और आपके क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? तो डुप्लीकेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का ही बनना डुप्लीकेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है आपसे पूछा जाता है कि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन आपका हो जाएगा डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो सबसे बड़े आकार की जगह आप लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत है, यहाँ पे लिख लेंगे दोबारा, ठीक है, इधर लिख लेंगे। चार क्वेश्चन हैं, केवल चार क्वेश्चन इसमें बने हैं वो लिख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इसलिए लिखा दे रहे हैं, आप लोग लिखिए सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस, सबसे ज़्यादा पूरा मत लिखा करिए आप लोग, ठीक है, पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र, ठीक है, इतना लिख लीजिए, और उसके बाद किस में हम बता रहे हैं? एन प्लांट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र प्लांट में, आप लोग लिख लीजिए इसका आंसर। सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र होते हैं प्लांट में वो किस में पाए जाते हैं? ऑफियोग्लोसम में, ठीक है, ऑफियोग्लोसम, ऑफियो
ग्लोसम, ठीक है, ऑफियो ग्लोसम। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी लिख लीजिए आप लोग ऑफियो ग्लोसम, ठीक है, ऑफियो ग्लोसम। आप लोग तो लिख लेते होंगे ना हिंदी, तो हिंदी में लिख लीजिए आप लोग ऑफियो ग्लोसम। इसमें कितने होते हैं गुणसूत्र, तो एक जगह आपके 1440 भी मिले हैं और एक जगह आपके कितने हैं 1262, ठीक है, 1262 ऑप्शन हो तब भी सही है, 1440 हो तब भी सही है, ठीक है। ये दो जगह हैं आपके, तो ऐसा ही हमें भी पढ़ाया गया था, दोनों बताए गए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं, ऑफियो ग्लोसम में कितने पाए जाते हैं, 2N = 1440 या 1262, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सबसे कम गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं, सबसे कम गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं, तो वो आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे हाइप्लोपेपस, ठीक है, हाइप्लोपेपस, ठीक है, हाइप्लोपेपस। इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने होते हैं, तो केवल 2N = 4 होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा किस जंतु में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जंतु का आप लोग नोट कर लेंगे, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस जंतु में होते हैं, तो एलोकैंथा में होते हैं, ठीक है, एलोकैंथा में, ठीक है, एलोकैंथा। कितने होते हैं, तो 1600 या फिर 1800, जितने भी आपके ऑप्शन में हो जाए। पहली बात, इसमें ये पूछेगा नहीं, केवल इतना नाम इनका पूछ सकता है, गुणसूत्र की संख्या नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस जंतु में पाए जाते हैं, तो एलोकैंथा में पाए जाते हैं 1600 या फिर 1800। सबसे कम गुणसूत्र किस जो है जंतु में पाए जाते हैं, तो वो एस्केरिस में होते हैं, ठीक है, एस्केरिस में। कितना होता है, तो केवल 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो हम आपको कल भी बताए थे आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो आरएनए में पाया जाता है, तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र का अध्ययन किस में करते हैं, तो मेटाफेज में करते हैं, ठीक है, मेटाफेज में गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र मध्य प्लेट पर कब आ जाते हैं, किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आ जाते हैं, मध्य प्लेट पर आपके मेटाफेज में आ जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज में, ठीक है। प्रोफेज क्या है, ये सबसे बड़ी अवस्था है समसूत्री कोष का विभाजन की, समसूत्री कोष का विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है आपकी, तो हो जाएगी प्रोफेज, ठीक है। चलिए, और क्या है इसमें, एनाफेज में क्या, सबसे छोटी अवस्था, ठीक है, सबसे बड़ी प्रोफेज, ठीक है, सबसे बड़ी प्रोफेज सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो एनाफेज हो जाएगी, ठीक है। जो लोग जल्दी जल्दी अगर कोई लोग करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज आपसे पूछा जाएगा, टीलोफेज में क्या पूछा जाएगा आपसे, टीलोफेज में एक क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्र क्रोमेटिन के, गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदल जाते हैं, गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, तो टीलोफेज में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोगों को साथ लेकर के चलना है ना, इसलिए जैसा जब पढ़ा रहे हैं वैसा आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपका भी, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग अगर क्लास नहीं देखेंगे तो कुछ और देखने लगेंगे जाके, इससे बढ़िया ही आप लोग क्लास ही देख लीजिए। वाटसन क्रिक तथा विल्किंस को डीएनए डबल एलेक्स खोज पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1953 में तो इन्होंने खोजा था, खोज अगर पूछ लिया जाए तो 1953, लेकिन इनको नोबेल प्राइज 1962 में मिला था। अगला क्वेश्चन, ऊतक के अध्ययन को, मतलब टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए, हर्पेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो ओवेचर बस सरीसृप का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बस सरीसृप का अध्ययन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं, ओबेचर और सरीसृप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब सरीसृप ना देकर आपसे पूछ लिया जाए, सांपों का अध्ययन किस में करते हैं, तो सांपों का अध्ययन भी हम लोग हर्पेटोलॉजी में ही करते हैं, ठीक है, हर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन करते हैं। सारोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो सारोलॉजी में करते हैं। और न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, तो न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका अध्ययन करते हैं, तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो न्यूरोलॉजी में करते हैं। एक क्वेश्चन इससे आता है, शैवाल कवक जीवाणु तथा लाइकेन को किस में रखा गया है, तो इनको हम लोग थैलोफाइटा में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जालिका बसरा विन्यास किस में पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन आपका डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, तो डाइकॉट इसमें अरेयर हो जाएगा, लेकिन इसके जो है वो दो अपवाद होते हैं, दो अपवाद कौन कौन से होते हैं, स्माइलेक्स और डाइस्कोरिया, ठीक है, स्माइलेक्स और डाइस्कोरिया इसके अपवाद होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक बीजपत्री होकर भी
इसमें जाल का अवस्था विन्यास पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होती है, तो हमने ट्रिक बता रखी है, एलजी एक कंपनी है और डीएस तो आप लोग याद कर लेंगे, लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। लाइट रिएक्शन यहाँ पे पूछा है ना, प्रकाशीय अभिक्रिया तो ये किसमें हो जाएगी, एलजी मतलब ग्रेना, डार्क पूछा जाता है तो एस्ट्रोमा में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सा कथन जीवधारियों के संबंध में गलत है, इनमें से जीवधारियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए श्वसन जो है वो जीवधारी, ठीक है, जीवधारी श्वसन करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर जीवधारियों में होते तो जो है वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, मतलब हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती, केवल लाइट की ज़रूरत होती बस। ठीक है, तो अब हम लोग अपना खाना नहीं स्वयं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें एक्स प्लस टू में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बहुत बार आपको निकालना सिखा चुके हैं, तो अब यहाँ पे निकालना नहीं सके आएंगे। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, पीछे की वीडियो हमारी देख लेंगे। ठीक है, जो 1 जुलाई से हम वीडियो आपको दिए हैं वही आप लोग देख लेंगे, तो उसमें से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वैसे 7500 क्वेश्चन की सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए कि आपके जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो केमिस्ट्री जो है वो आपको पूरी यहाँ से जितनी पढ़ाएंगे सब कुछ याद कराएंगे। ठीक है, एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक 12 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसमें 12 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। ठीक है, अब इसमें से 2 प्लस हो गए तो 2 माइनस हमने करने के लिए बताए थे, तो 10 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक को हमने क्या बताया था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसमें 11 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, एक और पूछा है परमाणु भार। ठीक है, भार आप लोग निकाल लीजिए, एम इज इक्वल टू एन प्लस पी, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, तो एन इसमें कितना है मतलब न्यूट्रॉन कितना है, 12 और 11 आपके प्रोटॉन है, 12 और 11 आपके क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो 11,23, ठीक है, 11,23 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 23,11 भी आपको आंसर मिलेगा और 11,23 भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया था, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 11 आया ना, तो और परमाणु भार 23 आया, तो पहले ये वाला लगाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं लगाएंगे इसमें। सोडियम तत्व में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन आपको कैसे निकालने हैं, सोडियम तत्व आपको दे रखा है ना, सोडियम तत्व, सोडियम का अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसको हम लोग Na से दिखाते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, अब आपको इसके जब एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आपको क्या पता चल गया, इसमें प्रोटॉन की संख्या पता चल गई, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब जब आपको इसमें प्रोटॉन पता चल गए, इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया, तो आपको मास नंबर भी इसका पता चल जाएगा। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, 11×2=22 ठीक है, 2×1 अधिक होता है, जो 2 से नहीं कटता है उसका। ठीक है, तो 23 इसका मास नंबर हो गया। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग सभी लोग, जो मास नंबर होता है वो जो 2 से नहीं कटते हैं उनका क्या होता है, 2×1 अधिक होता है, तो 2×2 इसका क्या हो गया, 22, और 1 अधिक कर देंगे तो 22×1=23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मास नंबर हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, m=n+p। ठीक है, अब n की संख्या हमको निकालनी है, तो n जो है वो p इधर आ जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन मास नंबर 23 है आपका, माइनस में p कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, n=23 में से जब आप लोग 11 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सही मिलान करो, इसमें सही मिलान क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ये खोज दे रखी है। ठीक है, एक स्टूडेंट थे जो प्रवेश कुमार नाम से, वो पिछले वीडियो में जो है वो हम उसमें रदरफोर्ड ऑप्शन दिए थे, तो उसमें वो कंफ्यूज थे थोड़े। ठीक है, तो वहाँ पे हमने उनको बता भी दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ठीक है, खोज करता कौन है, तो रदरफोर्ड है। ठीक है, ईंट पर अनाज बहुत बार बता चुके हैं ना, ये बार बार नहीं बता सकते आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, रदरफोर्ड, प्रोटॉन के कौन है आपके, इलेक्ट्रॉन के कौन हो जाएंगे, ईंट, टफ और थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, तो नाम स्टोनी ने दिया है। ठीक है, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। चलिए, तो बी सी और ए, ठीक है, बी सी ए कहीं पे है, बी सी ए, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथन में सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए सही क्या है। सम इलेक्ट्रॉन मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक आपसे पूछ लिया है यहाँ पे, तो ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग निकालना सीख गए होंगे, बहुत बार सिखा चुके हैं आपको, तो आप लोगों को पता होगा। एक बार पहले सभी लोग नाम लिख लीजिए, नाम 10 सेकंड में सभी लोग नाम लिख दें, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। और आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम पानी पी लें, तब तक 10 सेकंड हैं केवल आपके लिए। चलिए आप लोगों ने नाम लिख दिया होगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं इसमें नाम लिख के और भाग जाते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में आते हैं, तो उनका कुछ भला थोड़ी नहीं होगा। पीडीएफ मिल जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो, ठीक है। तो जुड़े रहना है आपसे, जाना नहीं है किसी को। और आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। अभी आप नीचे दिए गए जो सम इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें दो और जुड़ जाएंगे 10 हो गया, ठीक है, नियोन का 10 होता ही है, तो ये तो सही है आपका। दूसरा देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 में से एक घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के प्लस का 18 हो गया। अब इसका कैल्शियम का 20 होता है, 20 में से दो घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, इनको आप लोग ऐसे ही देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन संभारक है, संभारक इसमें कौन है, तो संभारक क्या होता है, आइसोबार, ठीक है। बीच बीच में हम जो है वो इंग्लिश मार्टों का थोड़ा भूल जाते हैं, इसलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है कि हिंदी केवल बता के और निकल जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ध्यान बना रहे। निम्न में कौन आइसोबार है, मतलब संभारक, संभारक क्या होते हैं, जिनमें परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, परमाणु क्रमांक जिसके अलग अलग हों लेकिन परमाणु भार जो है वो समान हो, ठीक है। तो परमाणु, इसमें परमाणु क्रमांक तो एक ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, और परमाणु भार जो है वो इसमें तो असमान है, क्योंकि यहाँ 58 है या 56 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार इनके समान है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल वर्ग आपसे पूछ लिया जाए, मतलब कुल ग्रुप कितने हैं, तो 18 हो जाएंगे, और कुल आवर्त पूछ लिया जाए, आवर्त कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इनको इंग्लिश में पीरियड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन तरल अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था मतलब लिक्विड स्टेज में कौन पाया जाता है, लिक्विड स्टेज में कौन पाया जाता है, तो ऑप्शन आप लोग सही लगा लेंगे, मरकरी भी पाया जाता है ना, मरकरी, ठीक है, एस जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है, और आपका ब्रोमीन तो पाया ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी तत्व है, इसमें से उभयधर्मी तत्व कौन सा है, तो उभयधर्मी क्या होते हैं, जिनके हाइड्रो जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिनके उभयधर्मी क्या होते हैं, जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अम्ल और क्षारों के साथ समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारों के साथ समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसको अभी समझने का टाइम भी नहीं है, आप लोग केवल याद कर लीजिए इनको, ठीक है, कुछ होते हैं ज़्यादा नहीं है, 10 हैं केवल, उनको आप लोग याद कर लें और उनकी ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पहला है Sb, ठीक है, पहला क्या है Sb, इसको हम लोग एंटीमनी बोलते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा क्या है आर्सेनिक, ठीक है, As। तीसरा क्या है आपका Sn। चौथा क्या है Si, ठीक है, चौथा Si। पाँचवा क्या है Pb। और छः नंबर पर क्या है Be। सात नंबर पर Be। और आपका 8 नंबर पे Al, 9 नंबर पे क्या हो जाएगा Zn, और 10 नंबर पे आपका H2O, ठीक है। अब इसकी ट्रिक लिख लेंगे आप लोग, ट्रिक क्या लिखेंगे इसकी, ट्रिक लिख लेंगे आप लोग, ट्रिक इसकी क्या लिखेंगे, ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सब सब, ठीक है, सब आसान, सब आसान सी लें, ठीक है, बाकी बचे अल्लाह जाने, और H2O तो आप लोग समझते ही हैं ना, वाटर, ठीक है, मतलब सब, मतलब सब फॉर Sb, आस फॉर As, ठीक है, सान फॉर Sn, ठीक है, और लीप और लेड हो जाएगा आपका, ठीक है, सब आसान सीलें बाकी बचे अल्लाह जाने H2O, ठीक है, ये आपके ट्रिक है, केवल
आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। इन 10 में से एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि उभयधर्मी तत्व कौन कौन से हैं, तो ये 10 तत्व जो हैं वो आपके उभयधर्मी तत्व हो जाएंगे। एस बी ए एस एस एन एस आई पी बी 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 ई ए एल जेड एन और एस टू ओ, ठीक है। इसमें एस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंटी मनी, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एंटी मनी का सिंबल क्या है, तो एस बी हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक का क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, ठीक है। और आपका एस एन तो पता ही होगा आप लोगों को, टेन होता है, ठीक है। और सब तो आप लोगों को जानते ही होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, वो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आपका सबसे अधिक जल को प्रदूषण कौन प्रदूषित कौन करता है, तो आर्सेनिक, ठीक है। सबसे अधिक जल को प्रदूषित कौन करता है, तो आर्सेनिक करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है आपका जीएस में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, सबसे अधिक जल को प्रदूषित कौन करता है, तो आर्सेनिक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में ये शायद अब मिटेगा नहीं, शायद आपको ऐसा पीडीएफ में भी देखने को मिले, तो आप लोग घबरा नहीं जाएंगे, वहाँ पे ये शायद मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में इनमें से कितने गैस हैं, तो हीलियम गैस है, नियोन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये आपकी गैस नहीं है, तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन उभयधर्मी तत्व है, इनमें से कौन उभयधर्मी तत्व है, तो उभयधर्मी तत्व हम आपको ऊपर बता चुके हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके उभयधर्मी तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें जो है वो Mg और नियोन आपका उभयधर्मी तत्व नहीं है, Sb और Zn इन दोनों उभयधर्मी तत्व हो जाएंगे, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो ये हम अभी आपको निकालना सिखा रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे केवल, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। जिस दिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं ना, उस दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, आप लोग परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे हम आपको सिखाते भी हैं, ठीक है, बिना मतलब में आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको सिखाया भी जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। कुछ लोग हैं ना ऐसे जो लास्ट में कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके लास्ट में बता दिया करें क्लास वगैरह कैसी लगती है, जिससे जो एक दो कमेंट आपके नेगेटिव लोग करते हैं तो उनको कुछ पता चल सके, ठीक है। जो लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़ते हैं वो लोग लास्ट में कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट, जिससे कि आपके बाद में स्टूडेंट जो देखने वाले हैं वो आप जान सकें कि कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसे आपको क्या करवाते हैं, ठीक है। तो कोई दबाव नहीं है, आप लोगों को जैसा भी लगे वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी लग रही है क्लास तो अच्छा कमेंट कर सकते हैं, अगर ख़राब लग रही है तो आप लोग ख़राब भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे दे रखा है 9, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है इसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो आप लोगों को पता है ना एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, तो फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन किस में आता है, आपको ये चीज़ केवल पता होनी चाहिए, जो फ्लोरीन है वो किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है, पी में आता है, या डी में आता है, या एफ में आता है, एस पी डी एफ, इनमें से किस में आता है, आप लोगों को नहीं पता है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आज हम एक चीज़ यहाँ पे और ऐड किए हैं, एक आपका फोटो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो ये साइन है, मतलब जो ब्लू कलर का एस दिख रहा है वो एस ब्लॉक है, मतलब ये वाला जो पूरा ब्लॉक है आपका इधर वाला वो एस ब्लॉक का हो जाएगा, मतलब हलीना की रब से फरियाद, पहला जो आपका ग्रुप है ना, ये पहला ग्रुप है, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। और दूसरा क्या है, ये दूसरा ग्रुप है ये वाला, ठीक है, इसको सेकंड डे वर्ग भी बोल देते हैं और उसको फर्स्ट डे वर्ग भी बोल देते हैं। तो दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कुछ भी आप लोग याद कर लेंगे, तो ये दोनों आप लोग याद कर सकते हैं। ये केवल पी ब्लॉक का है, ठीक है, और ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो पी ब्लॉक से ही आएगा। तो पी ब्लॉक में आप लोगों को कैसे निकालना है, जितने भी जैसे हाइड्रोजन है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है, तो इसके नीचे आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो वो आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अभी आप लोग केवल पीरियोडिक टेबल में ये देखें कि एस ब्लॉक का कौन सा है, तो एस ब्लॉक का ये सब है, ठीक है। आप लोगों को कोशिश कर उम्मीद करते हैं आप लोगों के घर पर जो है वो आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल रखे होंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अभी जो एस ब्लॉक का कौन सा है वो ये सब है, ठीक है, और पी ब्लॉक का कौन सा है, तो पी ब्लॉक का इधर वाला सब है, ये सब किसका है, पी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक ये बीच में आपका रह जाता है, डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो सबसे नीचे है बाहर, ठीक है, ये आपका एफ ब्लॉक हो जाता है। तो अब हम आपको क्या बताएंगे,
एस ब्लॉक वालों का बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चांस सी के आपके आने के, ठीक है। तो एस ब्लॉक में आप लोग नोट कर लेंगे, एस ब्लॉक में, ठीक है, एस ब्लॉक में आपको हम बताएंगे, ठीक है। एस ब्लॉक में हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एस ब्लॉक में हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो एस ब्लॉक में नीचे जाने पर, एस ब्लॉक में नीचे जाने पर नोट कर लीजिए, जाने पर एस ब्लॉक में नीचे जाने पर, एस ब्लॉक में नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे जाने पर 8, 18, 32 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपसे बता नहीं दिया कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, यानी कि 9 है, मान लो ये 9 दे रखा है ना, 9 है, तो नीचे जाने पर उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 9 और प्लस 8 कर देंगे, 9 + 8 यानी 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का 17 दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, फिर एक बार 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 8 25 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी का 25 दे रखा है तो 25, अगले का पूछा है तो 25 और 18 कर देंगे तो उसका कितना आ जाएगा, आपका 25 और 18 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 और 43 आ जाएगा, ठीक है। 25 और आपका 18, 25 और 20 45 में से दो गया 43, ठीक है। अब आपसे पूछ कह दिया जाए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है, मतलब 43 है, तो अगले का कितना हो जाएगा, तो 18 आप लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो ये बताइए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके नीचे आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा, 3 + 8 कर दीजिए, 11 होगा उसका, ठीक है, 11 होगा। अब आपसे कह दिया जाए 11 का अगर किसी का परमाणु क्रमांक है, इसके नीचे वाले का कितना होगा, तो 11 × 8 = 19 कर दीजिए। तो इसको तो आप लोग समझ सकते हैं ना, पहला क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, लिथियम का 3 होता है, 3 लिथियम का होता है, हली ना ना इसका सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, हली ना कि इसका 19 होता है, तो 11 × 8 = 19, ये सब हम आपको सिखा दिए। अब आप लोग कोशिश कर, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है सीख गए होंगे इसको, और नहीं सीखे हैं तो अब इतना तो हम आपको सिखा सकते थे, इससे ज़्यादा जो है वो टाइम बहुत कम है, क्योंकि कल परसों नहीं कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान उसका 31 है तो न्यूट्रॉन की संख्या, ये तो हम आपको बहुत बार करा चुके हैं, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद निकाल लेंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक यहाँ पे 31, ठीक है, 31 में से कितना घटाएंगे हम लोग, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। तो आप लोग क्यों घबरा जाते हैं ऐसे, 31 में से 15 घटाएंगे आप लोग तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगला देख लेंगे आप लोग, ठीक है। यदि ए द्रव्यमान और एन न्यूट्रॉन की संख्या है तो ए माइनस एन क्या होगा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आप लोगों को यही पता होना चाहिए, एम इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है ना, तो आपसे क्या कह रहा है, ए द्रव्यमान है, मतलब एम की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, एन मतलब एन न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन की क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। तो ए माइनस, यहाँ पे जब ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो ही जाएगा, बराबर में प्रोटॉन ही तो होगा ना, तो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा ये ए माइनस एन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, समझ गए होंगे आप लोग, 2-3 दिनों से यही समझा रहे हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होगी, ये किसका नियम है, तो ये बोर-बरी का नियम है, ठीक है। बोर-बरी के नियम के अनुसार बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2n² के अनुसार ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, ये आपका जो है अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा गया है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो हम अभी आपको करवा देंगे। 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किस में रखा गया है, तो हाफ वाव के नियम में रखा गया है। क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, जो हिंडका होता है ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में है, इलेक्ट्रॉन की आपकी पेयरिंग से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन है कि जो है आपका हुंडका नियम किससे संबंधित है, तो हुंडका नियम आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा नियम कच्छक से संबंधित है, तो हुंडका नियम, ठीक है, हुंडका नियम कच्छक से संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कोष से संबंधित कौन सा है, तो बोर-बरी का जो नियम होता है वो कोष से संबंधित होता है, ठीक है, कोष से संबंधित होता है, ठीक है, कोष से संबंधित कौन सा होता है, तो बोर-बरी का नियम होता है। आपसे पूछा जाता है अपवाहक का नियम किससे संबंधित है, तो ये उपकोष से संबंधित है, मतलब सब सेल से संबंधित है ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए ना आपके। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुंडका नियम किससे संबंधित है, तो कच्छक से संबंधित है।
आपसे पूछा जाए कि बोरबरी का नियम किससे संबंधित है, तो कोष से संबंधित है मतलब सेल से, और आपबाव का नियम किससे संबंधित है, उपकोष से मतलब सब सेल से। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हुंड के नियम के अनुसार सही क्या है, तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर की दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नीचे की दिशा में भरता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ऐसे ही जल्दी में गलत हो जाता है, फिर आप लोग मैसेज करते हैं, मतलब हम आपसे सही समझा तो रहे हैं, पहला ऊपर भरेगा, फिर ऊपर जब तक ऊपर पूरे नहीं भर जाए उसके बाद नीचे भर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं तो आप लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, मैसेज तब नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हम यहाँ पे समझा दिए ना, तो जल्दी में लगा दिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले ऊपर भरे फिर अगला वाला नीचे भर गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 3D² निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, आप लोग क्वांटम संख्याएं अगर सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, यहाँ पे दो तीन मिनट आपके लगेंगे, तो सीखना चाहें तो सीख लीजिए, ठीक है। चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, ठीक है, पहली कौन सी होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जो लोग लिखना चाहें वो लिख लें, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी कौन सी होती है, तो आपकी एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दुगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, दुगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी क्या होती है, तो तीसरी आपकी हो जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। हिंदी वाले इंग्लिश वाले परेशान ना हो, उनको भी अभी दिखा देंगे। चौथी क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। पहली क्या हो जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दुगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो पहली आपकी होती है इसको N से दिखाते हैं, दूसरी जो होती है इसको L से दिखाते हैं, तीसरी जो होती है इसको M से दिखाते हैं, ठीक है, और चौथी जो होती है इसको S से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल S से दिखाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग नोट कर लिए, चलो कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से करेंगे थोड़ा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें आप लोग निकालना सीख लीजिए, निकालना कैसे सीखेंगे, जो N होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो N हो जाती है, ठीक है। N बराबर क्या होता है, नोट करिए, N बराबर सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, N बराबर सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, इतना आप लोग केवल नोट करिए, अभी हम आपको सबसे कहा देंगे, जो नोट करवा रहे हैं वो नोट कर लीजिए, N बराबर सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। और आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, L बराबर, ठीक है, L बराबर क्या होता है, दूसरा हमने आपको L से नोट करना सिखाया ना, तो L बराबर आपका क्या होता है, L बराबर होता है आपका N माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन, ठीक है, नोट करते रहिए। n क्या है, जो सबसे पहले वाला है वो n है, l क्या हो गया, l इज इक्वल टू n माइनस वन हो गया, m क्या है, तो m इज इक्वल टू माइनस l से प्लस l तक, ठीक है, माइनस l से प्लस के l तक, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, माइनस l से प्लस के l तक। और s बराबर क्या होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस हाफ या फिर प्लस के आप, मतलब माइनस का आधा या फिर प्लस का आधा, इतना चीज़ आप लोग नोट कर लिए। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3D² 3D² ठीक है, 3D² इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो गई n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, l इज इक्वल टू क्या था, तो l इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है, 3 में से एक गया तो 2 बचा, मतलब 3 n हो गया, l बराबर 2 हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, l 3 हो गया और n 3 हो गया और l आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हैं अभी, तो ये वाला और ये वाला, इनको देख लीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, तीसरा निकालिए, तीसरा क्या है, m, m का मान हमने क्या बताया, माइनस के n से प्लस के, माइनस के l से प्लस के l तक, ठीक है, तो l कितना आया आपका, L आया आपका 2, ठीक है, तो 2 माइनस के 2 से प्लस के 2 तक, तो माइनस के 2 से प्लस के 2 तक क्या क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, 1 और 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सीधे लिख दीजिए माइनस 2 से प्लस के 2 तक, ठीक है, ये लिख दीजिए, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए एन का मान क्या आ गया आपका, M का भी निकल आया आपका और आपका N का भी आ गया, L का भी आ गया। अब N का निकाल, S का निकाल लीजिए, S का क्या आएगा, S का हमने दो मान बताए आपके, S के एक प्लस का हाफ और एक माइनस का हाफ, तो प्लस का क्या कब होगा, जब सम ऊपर की दिशा में, जब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की दिशा में भरा जाएगा तो वो प्लस का हाफ आ जाएगा और जब नीचे की दिशा में भरा जाएगा तो वो माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 3D² था, हमने D के लिए कक्षक आपको कितने बताए थे, 5 कक्षक इसमें होंगे, ठीक है, 5 कक्षक इसमें हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की दिशा में भरा है तो
आपका एस का मान कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप बाहु का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो क्रोमियम और कॉपर पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या होती है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा ना, 1.672 इंटू 10^-24 किलोग्राम, ठीक है, 10^-24 किलोग्राम, ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आपसे प्रोटॉन का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.627 इंटू 10^-24 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे 627 है, यहाँ पे 672 है, नोट करेंगे सही से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 9.11 इंटू 10^-28 किलोग्राम, ठीक है, -28 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NaCl में, अब आपको तीन प्रकार के हम बॉन्ड बताए थे ना, एक आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब वैद्य संयोजक बंद होता है एक, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका सह संयोजक बंद होता है, और तीसरा क्या होता है उपसह संयोजक बंद होता है, ठीक है। मतलब आपका एक आपका क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और तीसरा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो NaCl में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे केवल एक चीज़ नोट कर लीजिए बस, ठीक है। जो NaCl में एक क्वेश्चन इससे भी आता है, इसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा बंध बनेगा, तो आप लोग इसमें नोट कर लेंगे, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैद्य संयोजक बंध बनेगा। आप क्यों, वैद्य संयोजक बंध किस में बनता है, तो धातु और अधातु के बीच में ये बॉन्ड बनता है, धातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये वैद्य संयोजक बंध बनता है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इसमें धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना, धातु और अधातु के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। धातुएं क्या होती हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अधातुएं होती हैं, ठीक है। अब आप लोग सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है ना, 11 होता है, तो 2, 8 और 1, मतलब एक इसमें आ गया लास्ट में, तो ये धातु हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है, 2, 8, 7, ठीक है, मतलब इसका 17 होता है, तो ये इसमें लास्ट में 7 आ गया, ये अधातु हो गई। तो हमने क्या बताया, धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको वैद्य संयोजक बंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई तत्व बंध बनाता है, कोई भी तत्व जो है वो बंध बनाता है, वो स्थिरता बढ़ाने के लिए बनाता है, ठीक है। स्थायित्व तो कोई चाहता है तो वो बंध बना लेता है, ठीक है, स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंध बनाने में परमाणु के मध्य ऊर्जा, जो मध्य ऊर्जा होती है वो घटती है, लेकिन स्थायित्व तो क्या होता है, वो बढ़ता है, स्थायित्व तो बढ़ता है। एक क्वेश्चन इससे भी आता है, स्थायित्व तो क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। किसी भी जब किसी भी चीज़ में बन अगर बन जाता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा उसकी जो है वो घट जाती है, लेकिन उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। स्थायित्व तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, स्थायित्व तो कहीं भी स्थायित्व होना, परमाणु से अणु की स्थिरता, परमाणु से अणु की स्थिरता कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एटम से मॉलिक्यूल की स्थिरता कैसी होती है, तो ये ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, BeCl2 है, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। BeCl2 क्या है, ये सह संयोजक बंद होता है, ठीक है, सह संयोजक बंद होता है। ये सह संयोजक बंद जो होते हैं वो दोनों अधातुओं के बीच में होते हैं, ठीक है, दोनों अधातुओं के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो वो सह संयोजक बंद होते हैं, ठीक है। और धातु धातु के बीच में कौन सा हो जाता है, आयनिक बॉन्ड हो जाता है तब, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जो उपसह संयोजक होता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और सह संयोजक तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर इसको और अंदर से पूछ लिया जाए कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये कौन सा है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ध्रुवीय, ये ध्रुवीय सह संयोजक, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ना सह संयोजक, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, ठीक है। ध्रुवीय क्या होता है, जब दोनों अधातुओं के जो दो या दो से अधिक जो अधातुएं होती हैं वो समान हो तो वो ध्रुवीय हो जाती है, और जब असमान हो तो वो अध्रुवीय हो जाती है, ठीक है। तो अब चलिए आपकी क्लास यहीं तक है, आज आपकी क्लास जो है वो थोड़ी देर ज़्यादा चल गई, ठीक है, उसके लिए जो है कुछ वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हमने आपको समझाया भी है, ठीक है, बिना मतलब में आपका टाइम नहीं लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और क्या करेंगे, ये सुपर 20 बैच के बारे में तो सबको पता है, और जिसको नहीं पता है उस तक आप लोग वीडियो हमारी शेयर कर दीजिए,
और जो स्टूडेंट मतलब 11 बजे तक तो हम इसका पीडीएफ दे देते हैं सभी लोगों को। अगर बाय चांस किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ नहीं मिलता है 11 बजे तक और वो क्लास में प्रेजेंट रहता है तो वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ अपनी मांग सकता है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार दोबारा नाम दे दीजिए जिससे कि पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए अभी। और आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है चैनल पर पहली बार आए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों तक अपने शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे डाउट आपके सॉल्व कर दिए हैं। और जो लोग नए जुड़ते रहते हैं कुछ अगर बीच में पूछते हैं तो आप लोग जो है उनका जवाब दे दीजिए करिए, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।